अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग जो है बखैर वफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा लेक्चर आप लोगों के साथ जो है वो लिमिटेशन एक्ट 1908 को हम डिस्कस करेंगे। पिछला लेक्चर जो है आप होम वीडियोस में जाके देख सकते हैं, उसको 12 और 13 सेक्शन पर मुश्तमिल था। आज का लेक्चर इसमें हम सिर्फ सेक्शन 14 को जो है वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, थंब इंप्रेशन को प्रेस करें। आज का सेक्शन जो है, अगर आपके पास वेयर एक्ट मौजूद है तो निकाल लें, ज़रा मुनासिब तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। सेक्शन 14 क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोना फाइडी इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। अब इसका टेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर साथ में एक्सप्लेन करते हैं, साइटेशन भी इसके साथ में होंगी। In computing the period of limitation prescribed for any suit, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence in another civil proceeding, ऐसा टाइम जब मदई जो है दावा दायर करने से पहले किसी और कोर्ट में कोई दावा दायर कर बैठा विद ड्यू डिलीजेंस गुड फेथ में, ठीक है। इसकी अगर साइटेशन आएंगी उसमें एक्सप्लेनेशन में आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस आर इन द कोर्ट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। अब क्या कह रहा है वो? कहता है ऐसा टाइम जो सिविल कोर्ट में, फर्स्ट कोर्ट में सिविल जज के पास या फिर अपलेट कोर्ट में, कोई भी अपलेट फोरम हो सकता है, उसमें अगर बोना फाइडी उसने कहीं पे कोई अपील, कोई एप्लीकेशन, कोई सूट दायर कर दिया और उसे पता नहीं था, तो वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा जब वो दोबारा से नहीं, जहाँ पर प्रॉपर ज्यूरिस्डिक्शन बनती थी वहाँ पर जाके केस या अपील फाइल करेगा। वेयर द प्रोसीडिंग इज फाउंडेड अपॉन द सेम काज ऑफ एक्शन। अब कंडीशन है आगे, सेम काज ऑफ एक्शन होना चाहिए एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ, और गुड फेथ में वो प्रोसीडिंग होनी चाहिए जो उसने दावा दायर किया। इन कोर्ट विच फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, ज्यूरिस्डिक्शन की वजह से वो कोर्ट इनकार कर दे उसको रिलीफ ग्रांट करने पे, और अदर काज ऑफ लाइक नेचर या उसी तरह का कोई चीज़ हो, अनएबल टू एंटरटेन इट, और वो कोर्ट उसको सुनने से इनकारी हो या काबिल ना हो। सब क्लास टू क्या कहती है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर एनी एप्लीकेशन द टाइम फॉर विच द एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलीजेंस इन अदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, वो चाहे फर्स्ट कोर्ट हो या एपलेट कोर्ट हो, अगेंस्ट द सेम पार्टी सेम रिलीफ। अब यहाँ पर भी कंडीशन है दो, सेम पार्टी सेम रिलीफ, शैल बी एक्सक्लूडेड वेयर सच प्रोसीडिंग इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ from which the defect of jurisdiction or cause of like nature is unable to entertain it, ठीक है जी। अब इसको जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बंदे ने दावा दायर करना था रेवेन्यू कोर्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन उसने कर दिया दायर सिविल कोर्ट में, ठीक है। अब रेवेन्यू कोर्ट में दावा दायर हुए, दो साल गुजर गए, दो साल के बाद उनको पता चला कि हमने ये दावा जो है वो सिविल कोर्ट में, या एक बंदे ने दावा दायर करना था रेवेन्यू कोर्ट में, उसने दावा दायर कर दिया सिविल कोर्ट में, वो नोटिस गया पार्टीज़ को, उसके बाद पार्टीज हाजिर आई ना आई, एक्स पार्टी हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने मनसूखी की एप्लीकेशन फ़ाइल की, दो साल बाद जाके ज्यूरिसडिक्शन पे बहस हुई और जज साहब ने कहा कि ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, ये दावा बनता था रेवेन्यू कोर्ट का। अब रेवेन्यू कोर्ट में वो जो जाएगा तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि दो साल जो उसने बोना फाइडी, अगर उसने अपनी बोना फाइडी प्रूव की, तो वो दो साल, उसके तीन साल की लिमिटेशन जो होती है दावा दायर करने की, उसमें से वो माइनस हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक साइटेशन है, उसका मैं यहाँ पे हवाला दूंगा। प्रोसीडिंग बोना फाइडी इन द कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन डिलेड काज टू बी इग्नोर्ड इन कैलकुलेटिंग द लिमिटेशन पीरियड। और उसके अलावा ये है 2004 YLR पेज नंबर है 1256, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट इस हवाले से, 2004 SCMR पेज नंबर है 145। इसमें कहा गया है कि पार्टी वुड नॉट बी इंटाइटल टू कंडोनेशन ऑफ डिले अनलेस प्रूव्स दैट ही हैज सीकिंग द रेमेडी बिफोर रॉन्ग फोरम इन गुड फेथ। अब जो बेसिक इंग्रेडिएंट है ना, वो रॉन्ग फोरम पे आप गए हैं लेकिन इन गुड फेथ गए हैं, आपने गुड फेथ अगर प्रूव कर दिया तो फिर आपका टाइम एक्सक्लूड होगा, अदरवाइज एक्सक्लूड नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर वकील की गलत एडवाइस थी, उसको पता ही नहीं था कि दावा सिविल कोर्ट में दायर होना है या रेवेन्यू कोर्ट में, तो फिर आपकी भी गलती वही है, फिर टाइम जो है ना एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए टाइम, लेकिन अगर आपने प्रूव कर दिया कि आप गुड फेथ गए थे तो फिर आपका टाइम एक्सक्लूड भी हो सकता है। इसके अलावा ये साइटेशन बार ऑफ लिमिटेशन पे 2010 है, SCMR पेज नंबर 36, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट साइटेशन इस हवाले से, पीरियड ऑफ लिमिटेशन पीरियड स्पेंट इन सीकिंग रिव्यू था उस, इसमें PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट है 63 पेज नंबर, और
सेक्शन 14 की लिमिटेशन फॉर नॉट फाइलिंग अपील विजिलेंटली विद ड्यू केयर प्लेंटिफ्स वाज प्रैक्टिसिंग। अब इसमें दो वकील थे, वकीलों ने खुद ही जो है वो उनको पता लग गया कि रॉन्ग फोरम पे उन्होंने अपील कर दिया है, पहले चलती रही, बाद में अपील उन्होंने वापस ली, विदड्रा करने के बाद जब उन्होंने न्यू फोरम पे जो प्रॉपर फोरम बनता था जिसकी ज्यूरिसडिक्शन थी वहाँ पर जाके फाइल करने से पहले कॉपी डिले से ली, तो फिर हाई कोर्ट ने कहा कि इनको जो है वो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की जो बेनिफिट है वो कभी भी नहीं मिलना चाहिए। PLJ 2013 लाहौर हाई कोर्ट 405 DP का ये फैसला है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।